शुरू करते हैं हाउ द जोश पार्ट टू। और आज हम करने वाले हैं कंपाउंड की 3 एक्सरसाइज। कल हमने की थी कंपाउंड की 2 एक्सरसाइज, पुशअप्स एंड माउंटेन क्लाइंबर। सो पुशअप्स एंड माउंटेन क्लाइंबर आपको हर एक पार्ट में आपको कंपलसरी करना है। जस्ट मैं हर दिन एक एक एक्सरसाइज ऐड करते रहूँगा, जिससे होगा ये कि हमारा फिटनेस ग्राफ भी इम्प्रूव हो और साथ में मैक्सिमम लेवल तक फैट बर्निंग प्रोसेस भी हो। सो आज जो मैंने एक्सरसाइज ऐड की है उसका नाम है जंपिंग जैक। सो जंपिंग जैक, पुशअप्स एंड माउंटेन क्लाइंबर, ये तीनों का मैंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। रेपिटेशंस सेम वैसे ही रहेंगे। जंपिंग जैक में 10 रैप्स करना है, पुशअप्स 10 रैप्स करना है, 20 माउंटेन क्लाइंबर करना है। तो जितने रेपिटेशन जंपिंग जैक एंड पुशअप्स में होंगे उसके डबल रेपिटेशन माउंटेन क्लाइंबर में होंगे। सो करना कैसे है चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो कल जो मैंने सुपर सेट मारा था पुशअप्स एंड माउंटेन क्लाइंबर का, वो मैंने 2.47 सेकंड में कंप्लीट किया था। सो आज मैं ट्राई करूँगा कि ये वाला सर्किट पूरा ट्राई सेट 4 मिनट के अंदर ख़त्म करूँ। तो सबसे पहले है हमारा 10 रेपिटेशन जंपिंग जैक। तो मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो पुशअप्स करेंगे 10 रैप्स। ट्वेंटी काउंट्स। सो 9 जंपिंग जैक। 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9 पुशअप्स। एटीन। एट जंपिंग जैक। एट पुशअप्स। सिक्सटीन। सो 1.25 सेकेंड्स। तो मैंने 10, 9, 8 राउंड कंप्लीट कर दिए, जो 4 मिनट का टारगेट रखा है। सो अभी है 7 राउंड, तो कम से कम रेस्ट में ही करना है, हार्ट रेट को अपना पकड़ के रखना है। सो 7 करेंगे जंपिंग जैक। 7 पुशअप्स। 14. 6 करेंगे। 6 पुशअप्स। 6 तक हो गए। 2.30 सेकेंड्स। ओह शिट। तो 5, 4, 3, 2, 1। सो 5 जंपिंग जैक। 5 पुशअप्स। 5, 10। 5 हो गए एंड 4, 3, 2, 1। सो 4 रैप्स करेंगे अभी हम। 1, 2, 3, 4 पुशअप। 3 पुशअप्स। 6 3, 40 सेकेंड्स। 2, 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
1 1 2 यस 3.58 सेकेंड
जो मैंने टाइमिंग का जो टारगेट रखा था कि 4 मिनट के अंदर ये पूरा ट्राइसेट ख़त्म करूँ, तो मैंने 3.98 सेकेंड में ही पूरा ये ट्राइसेट ख़त्म कर दिया। आई एम बहुत ही अमेजिंग ट्राई कॉम्बिनेशन का ये कंपाउंड ट्रेनिंग है, जिससे फैट बर्निंग, कल से भी ज़्यादा फैट बर्निंग प्रोसेस आज आपका होगा। इसके आपको 3 राउंड कंप्लीट करना है, 10 से आपको 10 जंपिंग जैक, 10 पुशअप्स एंड 20 माउंटेन क्लाइंबर। मैंने स्क्रीन पे भी मैंने लिख दिया इसके रेपिटेशंस कितने हैं। आपको 10 से लेके 1 तक आना है, उसके बाद में 2 से 3 मिनट का वाटर ब्रेक लेके आपको वापस शुरू करना है, लेकिन 1 से शुरू करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद में वापस 2 से 3 मिनट का वाटर ब्रेक लेके 3rd राउंड शुरू करना है, नीचे से 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक आएंगे। तो 3 राउंड कंप्लीट करना है आपको, लेकिन ध्यान रहे कि 20 मिनट के अंदर ही आपका तीनों जो ट्राई राउंड है, ट्राई सेट्स है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए 20 मिनट्स के अंदर। 20 मिनट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रेस करोगे आपका हार्ट रेट नीचे आ जाएगा, तो फैट बर्निंग वो इतनी के अमाउंट में कैलोरीज बर्न नहीं होगी। सो गाइस, ये था पार्ट 2। और पार्ट 3 में हम करेंगे 4 कंपाउंड एक्सरसाइज, तो हर दिन मैं एक एक एक्सरसाइज ऐड करूँगा, बहुत ही मज़ा आएगा। एंड पता चलेगा आपको कि एक हफ्ते में किस तरह से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। सो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल पार्ट 3 में। थैंक यू।